ट्वेंटी लीग में शोएब मलिक ने कर दी चौको छक्कों की बारिश। विराट कोहली और बाबर आजम को पीछे छोड़ शोएब मलिक ने बना डाला कभी न टूटने वाला ऐतिहासिक रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, आखिरकार शोएब मलिक ने बना डाला कौन सा सबसे बड़ा रिकॉर्ड, बताएंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी शोएब मलिक को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज शोएब मलिक का T20 क्रिकेट में अब भी जलवा कायम है। उन्हें पाकिस्तान की टीम में उम्र का हवाला देकर T20 से भले ही बाहर कर दिया गया हो, लेकिन उन्होंने अब तक हार नहीं मानी है। 40 साल की उम्र में भी मलिक रिकॉर्ड बना रहे हैं। फिलहाल वह लंका प्रीमियर लीग में जाफना किंग्स के लिए खेल रहे हैं और सोमवार को कोलंबो स्टार्स के खिलाफ उन्होंने 35 रन की नाबाद पारी खेल एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। शोएब मलिक T20 क्रिकेट में 12,000 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं ओवरऑल वह क्रिस गेल के बाद दूसरे बल्लेबाज हैं। कई लीग और अंतर्राष्ट्रीय T20 मिलाकर T20 क्रिकेट में गेल के नाम 463 मैचों में 14,562 रन हैं। उनके नाम 22 शतक और 88 अर्धशतक हैं। वहीं 175 नाबाद उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है। वहीं मलिक ने 486 मैचों में 12,027 रन बना लिए हैं। उनके नाम इस फॉर्मेट में कोई शतक तो नहीं है, लेकिन 73 अर्धशतक लगा चुके हैं। नाबाद 95 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। सोमवार को मलिक ने 26 गेंदों में 5 चौके की मदद से 35 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को 178 रनों के स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि आपको बता दें कि लगातार शोएब मलिक को पाकिस्तान T20 फॉर्मेट से दूर रखा गया है और कहा जाता है कि अब शोएब मलिक की उम्र हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से शोएब मलिक का बल्ला चल रहा है उससे ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शोएब मलिक को टीम में अब जगह नहीं देना चाहती है। नहीं तो शोएब मलिक का प्रदर्शन फिलहाल भी शानदार है। तो दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें। आपके मुताबिक क्या शोएब मलिक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौका मिलना चाहिए या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।